स्वप्नलोक की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सपने में बिल्ली देखने का क्या मतलब होता है के बारे में जानकारी देंगे। बिल्ली से जुड़े हर दृश्य जो आपको अपने सपने में दिखाई दे सकते हैं उसको लेकर हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत में बिल्लियों को लेकर कई सारी मान्यताएँ हैं। कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके साथ दिन में कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर होगा। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर खुद मन घबराने लगता है। इन्हीं सब बातों के चलते कई लोग तो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। वैसे बिल्ली को भारत में जितना अपशकुन माना जाता है उतना ही अच्छा तब माना जाता है जब बिल्ली सपने में दिखाई देती है। सपने में बिल्ली का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह की किस सिचुएशन में आपने बिल्ली को देखा है। तो चलिए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बिल्ली का दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में बिल्ली का दिखाई देना अशुभ माना जाता है। बिल्ली को सपने में देखना कार्य में बाधा उत्पन्न होने का इशारा देता है। आपके कार्य में अनचाही जगहों से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे में कार्य को ख़त्म होने में ज़्यादा समय लग सकता है। वहीं दोस्तों, यदि आप सपने में दो बिल्लियों को देखते हैं तो स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सपना भी आप अशुभ माना जाता है। यह सपना नुकसान होने का प्रतीक है। आपके कार्य में आपको महत्वपूर्ण चीज़ों का या फिर बड़ी मात्रा में पैसों का लॉस्ट होने की ओर इशारा करता है। अगर आपको सपने में बिल्लियाँ लड़ते हुए दिखाई देती हैं तो यह आपके लिए सपना अच्छा नहीं माना गया है। इसका मतलब है कि आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने वाला है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ध्यान रहे किसी के साथ बहस में ना पड़े। कोई इंसान अगर सपने में बिल्लियों को खुद से लड़ते हुए देखे तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर परिवार और समाज के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सपने में दो बिल्ली देखना अविवाहित लोगों के लिए शुभ संकेत है। अगर आपके सपने में दो बिल्लियाँ खेल रही हैं तो यह एक अविवाहित को यह संकेत देता है कि आपके विवाह के योग बनने वाले हैं। अगर आप विवाहित हैं तो सपने में दो बिल्ली देखते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को एक अच्छा संकेत दे रहा होता है। लेकिन अगर एक विवाहित स्त्री या पुरुष दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखता है तो यह आपको अपने साथी से फालतू के झगड़ों से बचना है इस ओर इशारा करता है। हो सकता है कि भविष्य में आपके बीच में कोई तीसरा लड़ाई लगा सकता है। ऐसे समय में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने विवेक से काम लें और किसी और से कहने से अपनी जीवनसाथी के प्रति मन मुटाव पैदा ना करें। यही बातें प्रेमी युगल के लिए भी लागू होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में काली बिल्ली देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में काली बिल्ली का देखना का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण और अशुभ कहलाता है। आने वाले समय आपके लिए बहुत डरावना हो सकता है। आपको कठिन से कठिन सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको पॉजिटिव रहना है और अपने मनोबल या मोरल को डाउन नहीं करना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रखना है और आगे बढ़ना है। तथा सपने में काली बिल्ली को मानना यह शुभ संकेत माना जाता है। काली बिल्ली को पुराने समय से अशुभ माना जाता है और लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर वो रास्ता पार नहीं करते, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सपने में काली बिल्ली का देखना कभी कभी शुभ भी होता है। अगर आप सपने में काली बिल्ली को पानी पिला रहे हैं तो यह भी एक अच्छा सपना माना जाता है। आपको आगे आने वाले समय में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है, और अगर नौकरी की तलाश में है तो आपका कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको ऐसे समय में अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए। अगर आपको परीक्षा देना है तो आपको अपनी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आपको परीक्षा देना है तो आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जा सकती है। लेकिन अगर आपने सपने में काली बिल्ली को कुछ इस अवस्था में देखा है कि वो बिल्ली आपको डराने के मकसद से घूर रही है और आपको घुरा रही है, मारने को है, तो यह अशुभ सपना माना जाता है। आपको ऐसे समय में फालतू के खतरों से दूर रहना चाहिए। कम से कम जानबूझकर ऐसे खतरों को मोल ना लें जिसके बारे में आपको एहसास हो।
इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में भूरी बिल्ली को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र की माने तो भूरी बिल्ली को सपने में देखने का मतलब शुभ माना जाता है। आपके सभी अटके हुए कार्य पल भर में सुलझ सकते हैं और आपके कार्य से जो भी बाधाएं आ रही थी वह दूर होने वाली हैं। इसलिए सफलता की राह आपके लिए आसान होने की ओर यह सपना इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में सफ़ेद रंग की बिल्ली को देखते हैं तो यह सपना भी स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक शुभ सपना माना जाता है। सफ़ेद बिल्ली सफलता प्राप्ति का सूचक है, इसलिए आपको सपने में सफ़ेद बिल्ली को देखने पर खुश हो जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में लाल रंग की बिल्ली को देखते हैं तो यह आपके लिए दुर्लभ तथा अशुभ संकेत देने वाला सपना माना गया है, क्योंकि यह एक धोखे की घंटी जैसा माना गया है। इसके लिए आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली का रास्ता काटते हुए दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको अपने सपने में बिल्ली रास्ता काटते हुए दिखाई देती है तो यह सपना अशुभ माना जाता है। यह सपना बनते हुए कार्य के बिगड़ने की ओर संकेत करता है। ऐसे में आपको संभल कर कदम बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली को मरते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, शास्त्र में माने तुम तो मरी हुई बिल्ली को सपने में देखना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। यह सपने का दृश्य यह दर्शाता है कि आप जितनी चाहे मेहनत कर लें लेकिन आपके कार्य में आपको नुकसान होने वाला है। ऐसे में आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे आपका नुकसान कम हो सके, और आप सपने में किसी बिल्ली को मारते हैं तो यह आपके लिए एक अशुभ सपना माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली के बच्चों को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में बिल्ली के बच्चों को देखने का फल अशुभ माना जाता है। आने वाले दिनों में आप पर छोटी छोटी तकलीफ आने वाली है, इस ओर इशारा करता है। इन तकलीफ़ों से आपको मानसिक तौर पर तनाव भी हो सकता है। सपने में अगर बिल्ली अपने बच्चों के साथ नजर आए तो यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे में आप किसी खास रिश्तेदार या मित्र से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। बिल्ली को ऐसे देखना कोई अच्छी खबर सुनने और का भी इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली की पॉटी देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में बिल्ली की पॉटी करते हुए देखना एक अशुभ सपना माना जाता है। यह सपना असफलताओं की ओर इशारा करता है। आपको अपने कार्य में हार का सामना करना पड़ सकता है, इसकी ओर यह सपना इशारा करता है। यह सपना एक अजीब तरह का सपना है और यह सपना शायद ही किसी को आता हो, लेकिन अगर आप यह सपना देखते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अनोखी घटना होने वाली है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह घटना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगी, लेकिन यह बिल्कुल कई या आश्चर्यजनक या शॉकिंग हो सकती है। दोस्तों, इस तरीके का सपना मैंने भी देखा था और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था, सो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली को काटते हुए देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में बिल्ली का काटना एक अशुभ सपना माना जाता है। यह सपना यह बताता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको पैसों का बड़ा नुकसान होने वाला है। यह सपना ईश्वर इशारा करता है। आपको सपने में अगर किसी बिल्ली को बचाते हुए देखने का सपना दिखे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका आपका सही समय जल्द ही आने वाला है, उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं और यह सपना देखते हैं तो यह सपना इस ओर इशारा करता है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें विनर हो सकते हैं। अगर आप सपने में एक जैसी दो बिल्लियां देख लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप में बैलेंस की कमी आ रही है। इस बीच आप अपने परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर जो काम करने वाले लोगों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर कभी कभी आप ऐसे में असफल हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप सपने में कुत्ते और बिल्ली को आपस में लड़ते हुए देख लेते हैं
तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका किसी दुश्मन के साथ सामना हो सकता है। इतना ही नहीं, आपकी लड़ाई होने वाली है इस ओर इशारा करता है। सपने में बहुत सारी बिल्लियां देखने का मतलब मिला जुला हो सकता है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कभी हमें देखने में प्यारा लगता है, लेकिन कभी वही बिल्ली को देखकर हम डरने लगते हैं। इसी तरह अगर बिल्लियों का झुंड काफ़ी डरावना है, तो ऐसा सपना यह बताता है कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके विपरीत अगर बिल्लियों का झुंड आपके साथ खेल रहा है या आपके आसपास घूम रहा है, तो यह बहुत ही अच्छा सपना है। यह सपना आपके लिए यह बताता है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर कोई कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों, यह था मतलब सपने में बिल्ली देखने का। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए